आगामी बरसात के दिनों को देखते हुए नगर निगम भिलाई क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी का बहाव ठीक ढंग से बड़े नालों तक नहीं हो पाता है। ऐसी जगहों के लिए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी जोन के आयुक्तों को आवश्यकता को देखते हुए कच्ची नाली निर्माण करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ निचली बस्तियों में जल भराव न हो, साथ ही नालियों के ऊपर हुए अतिक्रमण को नगर निगम भिलाई द्वारा नियमित रूप से तोड़ा एवं खारी कराया जा रहा है। कुछ जगहों पर स्थानीय निवासियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है तो वहीं कुछ जगहों पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। नगर निगम का दस्ता एक रूप से सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। निगम आयुक्त ने सभी से सहयोग की अपील की है। निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य है कि बरसात के पानी का कहीं जमाव ना हो और पानी सीधे नालों के माध्यम से आगे निकल जाए। हमारे आयुक्त महोदय देवेश कुमार ध्रुव जी का निर्देश है, कलेक्टर मैडम का भी दिशा निर्देश मिला है कि नालियों के ऊपर से जो अवैध कब्जे हुए हैं जिसके कारण नाली सफाई में प्रभावित होती है, ऐसे सभी अवैध कब्जेधारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनके नालियों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उसे तोड़ा जा रहा है, तोड़ करके रास्ता साफ कर दिया जा रहा है, क्योंकि जब बारिश के समय पानी गिरेगा तो पानी गिरेगा नाली जाम होगी, नाली जाम होगी तो निचली बस्तियों में पानी भरेगा। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, नल से नाली बना है, नाली किसके लिए है, नाली है पानी जाने के लिए, न कि कचरा फेंकने के लिए। तो लोग कचरा फेंक देते हैं और नाली को जाम कर दिए, इसलिए कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलेगा। और हम आप अपना अपना कब्जा स्वयं हटा लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर हम तो हमसे तोड़ा जाएगा तो हमारे यहाँ JCB चलेगी, JCB जो चलेगी तो उसके हिसाब से आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सहयोग करें सबसे अपील।